What's up, your crazy people? This is Rohan Sandra. Hope you guys are doing absolutely insane and great. Welcome to the channel, Overpower Rider. So, आज हम बहुत दिनों बाद निकले हैं मोटो राइड पे, लाइक मोटो व्लॉग करने. और मैं कम से कम दो या तीन महीने ब्रेक पे था. मेरे को याद नहीं है कब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, बिल्कुल भी याद नहीं है. और आप बहुत जन पूछ रहे थे कहाँ हो भाई, गायब ही हो गए. इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आ रहे थे कि वीडियोस कब आएंगे, ये है नॉल. तो रीज़न आपको मेरे लास्ट वीडियो में पता चल गया रहेगा कि मैं हॉस्पिटलाइज था. फिर उसके बाद ठीक होने में मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, लाइक एक मंथ लग गया. उसके बाद फिर एक मंथ में जितने भी काम ड्यू थे मैं वो करने में बिज़ी रह गया है. फिर क्या, कॉलेज ये सब का सीन, एग्ज़ाम्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हुए इसके बीच में जब तक मैं ब्रेक पे था. फिर अभी मैं परफेक्टली फाइन हूँ. और मेरे को पुणे में, मैं आपको पता रहेगा जो लोग मेरे वीडियोस पहले से देखते हैं कि मैं पुणे में रहता हूँ. अभी फ़िलहाल मुंबई में नहीं हूँ, पुणे में मैं हॉस्टल में रहता हूँ. और हॉस्टल का सीन क्या है कि मैंने हॉस्टल अभी छोड़ रहा हूँ मैं, हाँ हॉस्टल छोड़ रहा हूँ. और मैंने बाहर रेंट पे फ्लैट ले लिया है, तो वो सीन भी आपको बताएंगे अच्छे से कि क्या है क्या नहीं. फ़िलहाल इतने दिनों बाद यूट्यूब पे आए हैं, तो भी थोड़ा मोटो व्लॉग करते हैं, रास्ता एंजॉय करते हैं. यह है पुणे का पूना सोलापुर एक्सप्रेस हाईवे. तो बस अभी रास्ता एंजॉय कीजिए, रास्ते पे बात करते करते चलेंगे. और डेली ऑब्जर्वेशन तो है ही भाई. चलिए फिर भगाते थोड़ा, ओवर पावर गिरी करते. बहुत दिनों बाद 100 के ऊपर भाई, मतलब बहुत दिनों बाद मैं बाइक चला रहा हूँ. बाइक तो लाइक ज़माने हो गए चला के, मतलब ऐसा राइड नहीं किया ऐसा पूरा है. ग्लव्स हेलमेट पहन के नॉर्मली कहीं पे कुछ काम रहता तो जाता था. बहुत दिनों बाद यूट्यूब के लिए शूट कर रहा हूँ अभी, तो बहुत अच्छा लग रहा है कमबैक करके. इस कमबैक को प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, बिकॉज बहुत टाइम लग गया मेरे को कमबैक करने में. तो डू सपोर्ट द चैनल और लास्ट तक वीडियो देखना, बिकॉज मैं बहुत टाइम बाद शूट कर रहा हूँ. तो मेरा पूरा मतलब तो ना कैमरे को देखने का वो कॉन्फिडेंस ही चला गया. तो मैंने स्टार्ट ही किया मोटो व्लॉग से कि हाँ मैं कोई एक वीडियो डाल दूँ मोटो व्लॉग बना के, फिर उसके बाद मैं कैमरे को फेस करूँगा, बिकॉज पूरा आदत चला गया मेरा दो तीन महीने में. पीछे मेरा दोस्त बैठा है हर्ष, मेरा रूममेट है. हाँ आप इसको रियर व्यू मिरर से देख रहे होंगे यार. और आज का मौसम बहुत बढ़िया है, लाइक सुबह बारिश हो रहा था एंड अभी मतलब बारिश नहीं हो रही है, धूप भी था थोड़ा टाइम पहले, अभी चिल हो गया. और बादल, आसमान आप देख सकते हो कैसा है. और आज भगवान की नसीब से ट्रैफिक भी मिल रहा है. जो रोड हर रोज खाली रहता है वहाँ पे आज हमें ट्रैफिक मिल रहा है. क्यों? क्योंकि रोहन संतरा व्लॉग शूट कर रहे हैं. कोई नहीं, नेवर माइंड, ट्रैफिक रोक नहीं सकता हमें व्लॉग करने से. सो करते रहते अभी. हाँ, और अगर आपको नहीं पता कि क्या हुआ तो इस काइंड आपने रिसेंटली देखा रहेगा, तो जस्टिन बीबर का पोस्ट देखा रहेगा कि वो क्या फेस कर रहे हैं, फेशियल पैरालिसिस. हाँ, तो वही सेम चीज़ मुझे हुई थी. और तो उसका ट्रीटमेंट कम से कम एक महीने तक चला, फिजियोथेरेपी एंड मेडिसिन एंड ऑल. तो थोड़ा उससे बाहर निकलने में टाइम लग गया मुझे. फिर उसके बाद जो एक महीना मैं छुट्टी पे था उसका काम पेंडिंग जो था वो करना, उस पर टाइम चला गया एक और महीना. फिर उसके बाद आई वॉज़ लाइक कि यार आदत छूट गई है. पहले अभी असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम्स भी बहुत हुए उसके बीच में. अभी रिसेंटली मेरा एक वीक पहले एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है. तो मैंने सोचा अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए तो चलो अब यूट्यूब को भी थोड़ा पावर देते, अपनी ओपी फैमिली को थोड़ा बढ़ाते, बिकॉज बहुत टाइम से था ब्रेक में. बढ़िया भाई, बढ़िया. हाँ, जिसको अगर ये गाड़ी के बारे में नहीं पता, ये मेरे हॉस्टल के दोस्त की गाड़ी है. इट्स एवेंजर 160, पुरानी वाली BS4 मॉडल. प्यारी है यार, बहुत प्यारी है. मेरे पापा को ये बाइक बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों. मतलब वो ऐसे बाइक के शौकीन नहीं है उनके, वो यूनिकॉर्न राइड करते हैं, बिकॉज वो बाइक के शौकीन नहीं है कि हाँ बाइक में क्यों ऐसा पैसा डालना. और हम तो भाई जितना पैसा बाइक में डाले उतना कम है, ऐसे वाले बंदे.
उनको क्रोनोलॉजी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, कोई नहीं, टाइम आएगा समझ जाएंगे कि हम बाइक से कितना प्यार करते हैं। ना पेरेंट्स को अपने को प्रूफ करना मांगता है कि हाँ कि हम क्या कर रहे हैं। जब तक हम उस चीज़ का प्रूफ नहीं देते ना कि हाँ तू क्या कर रहा है, सही है कि नहीं ये सब, तो तब तक उनको समझ में नहीं आता कि बेटा सही कर रहा है कि नहीं, जो कर रहा है वो आगे कुछ काम आएगा। वो काम मैं ऑफकोर्स ये फ्यूचर के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरा शौक है मोटो व्लॉगिंग करना, वीडियोज़ बनाना, व्लॉग्स बनाना, बट उनको लगता है कि फालतू की चीज़ें क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है इसमें। यार शौक है यार, हॉबी है। बस मोटो व्लॉग्स बहुत टाइम से यार, बहुत टाइम से देख रहा था मैं, सोच मैं कम से कम सेवन्थ में था तब से मतलब ट्राई मतलब सोच के रखा था कि हाँ मैं बड़ा हूँगा मोटो व्लॉग करूँगा, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतना जल्दी मोटो व्लॉग स्टार्ट करूँगा। आई थॉट कि मैं एटलीस्ट कम से कम अपना ग्रेजुएशन पास करने के बाद करूँगा, बट मैंने 11th स्टैंडर्ड में शुरू कर दिया अपना मोटो व्लॉगिंग। तो बस बढ़िया सीन है, अभी सही चल रहा है अपना मोटो व्लॉगिंग। सही नहीं, बिकॉज अपने पास अभी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, अपने को बढ़िया कैमरा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, बट एज अ बिगिनर जो है मेरे पास बहुत सही है, इट्स वर्किंग गुड आउट। सो अभी बस यही सब चल रहा है। मेरे पास बाइक अच्छी रही, मतलब मेरे को आप लोग को मेरे वीडियोस देख के पता रहेगा कि मैं कैसी चला, मतलब ऑफकोर्स अच्छे से चलाता हूँ। हाँ हाइपर राइडिंग करता हूँ बट ओनली ऑन हाईवेज, ये सब में। बट अपने पास आज वैसी बाइक भी नहीं, मतलब अच्छी बाइक है, भागती है, अभी देखा आपने 100 गई 105 गई, बट बोलते ना अपने कैटेगरी की बाइक नहीं है। मेरे को फेयरिंग बाइक पसंद है, नेकेड स्पोर्ट पसंद है, ये क्रूज़ बाइक है। मतलब अभी मेरे को इधर बाइक नहीं मिली थी सो मैंने लास्ट ऑप्शन मेरे लिए यही बचा था। ऐसा नहीं है ऑप्शन है ओनली एंड ओनली ऑप्शन है, इसके लिए चूज़ किया भाई, बहुत अच्छी बाइक है, और जो जिसकी बाइक है ओनर भी मेरा बहुत बढ़िया दोस्त है, देख सकते हो आराम से गई है 100, आराम से 110। बस भाई बस आगे ट्रैफिक है, अपन रिक्स नहीं लेंगे, ABS नहीं है गाड़ी में, तो आराम से चलाएंगे भाई, आराम से, कोई हाई नहीं अपने को। अपन वीडियो शूट करने आए गए, अपने को कहीं पे पहुंचना नहीं है, बिल्कुल कहीं नहीं पहुंचना है, अपन बस जहां रोड लेके जा रहे हैं वहां पे जा रहे हैं। और आसमान भाई बहुत सेक्सी, बहुत ज़्यादा सेक्सी, आप बढ़िया हवा चल रही है। मेरे को डर लग रहा है कि बारिश ना आ जाए, क्योंकि हमने ना रेनकोट लाया, ना मैंने कैमरे का कवर लिया है, ऐसा वाटर प्रोटेक्शन। भगवान बस बारिश मत करना अभी यार, ब्लॉग खत्म होने के बाद जितना पूरा डुबा दो पुणे चलेगा, बट अभी बारिश मत करो भाई। बहुत दिनों बाद सीन बना है ब्लॉग बनाने का, और बहुत बढ़िया मौसम है, बहुत ज़्यादा बढ़िया मौसम है। नो आई एम नॉट क्रॉसिंग दिस कार भाई, सेफ नहीं लग रहा है मेरे को, कभी भी इधर उधर ले लेगा ना, इंडिकेटर दे रहा है लेन चेंज करने के टाइम पे। नो हेट, यू शुड ऑलवेज इंडिकेट व्हेन यू मेक अ टर्न, और लेन चेंज के टाइम पे तो ऑफकोर्स चाहिए। पीछे से कोई बंदा आ रहा होगा और तुम अचानक से लेन चेंज कर दो, मैंने बहुत वीडियोस देखे ऐसे जिसमें लोगों की जान जाती है, और जान नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी इंजरीज होती है। ओ आई एम द प्रॉपर हॉल्ट नाउ, अरे बंदा क्या कर रहा है, ओके ओके, अच्छा इधर डिवाइडर था इसके लिए ट्रैफिक था, पब्लिक बिना देखे क्रॉस करता है, बिकॉज इधर कोई सिग्नल नहीं है डिवाइडर पे कि हाँ पहले हम जाए फिर डिवाइडर वाले क्रॉस करें। पागल है साला, देख के थूकना, गाड़ी थूकी है भाई, भाई ने विमल खा रहा था शायद, वो थूका गंदे से, अच्छा वो गाड़ी पे नहीं है, वरना तो भाई बाइक बाइक जान रहती है अपनी यार, कोई भी किसी और की भी बाइक हो, पर भाई बाइक बाइक होती है। मेरे को पता है कि सामने वाला क्या फील करता है अपने बाइक के बारे में, उसकी बाइक उसके लिए जान रहती है। लोग और कोई दूसरे लोग है, देखो देखो देखो, आगे का ड्राइवर विमल खा के थूक रहा है, पीछे कोई पानी थूक रहा है, बहुत मिलते हैं ऐसे लोग, कितना ही चिल्लाएंगे लोगों को, कितनी ही गाली देंगे, गाली देके भी सुधरेंगे नहीं, चार दिन बाद वही करेंगे। चलो थोड़ा रास्ता खाली मिला, अच्छा है। अरे भाई गाड़ी में दम तो है, और किसने बोला दम नहीं है, बहुत दम है, इसका गेयरिंग बहुत शॉर्ट है यार, फिफ्थ गियर जल्दी आ गया बहुत, और फाइव गियर इसका है। तो भैया ड्रॉप गियर एंड डिसअपियर, या पावर बोलते हैं। बस इन्हीं लोगों का डर रहता है जो अचानक
टर्न ले लेते हैं बिना इंडिकेट किए, और देखो अभी इनको, ये देखो देखो हर जगह से, अरे भैया 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 क्या कर रहे हो, ये पुणे का मेरे को बहुत गलत सीन लगता है, बिकॉज मुंबई में इतना गलत नहीं होता है, मुंबई में हाँ ऐसा होता है, बहुत बार होता है, बट इतना नहीं, इधर हर लोग कर रहे हैं। मैं अभी आते आते कितने सीन देख लिए, अभी जो मैं मोटो ब्लॉग शूट कर रहा हूँ उसमें मैंने कितने सीन देख लिए, मुंबई में शायद एक मोटो ब्लॉग में कम से कम एक या आधा ऐसा आते रहेंगे लोग, यहाँ सेंसलेसली चला रहे, इधर हर लोग ऐसे ही चला रहे, कोई नहीं अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता जब तक वो अपने को सेफ रख रहे, अच्छा है। अरे भाई बढ़िया, खाली मौसम, हवा, अरे यार विंड ब्लास्ट तो इतना फील हो रहा है ना, बिकॉज हवा मेरे सामने से आ रही है बाइक आगे की तरफ से, पूरा शरीर हिल रहा है, बाइक कांप रहा है, कोई नहीं, ये आगे जो हमारा है ये बहुत अच्छा बबल वाइज़र, बबल नहीं मतलब वाइज़र जो भी है अच्छे से काम कर रहा है, उतना नहीं फील हो रहा है मेरे को विंड ब्लास्ट, ठीक है। यहाँ पे खाली दिख रहा है वहीं पे भगा रहा हूँ, ट्रैफिक में तो भाई नो चांस, कभी लेता भी नहीं और ना लूँगा, ट्रैफिक में कौन खेलता है यार स्पीड से, दूसरों की जान भी खतरे में, खुद की जान भी खतरे में, और किसी और की बाइक लिए तो उसकी जान खतरे में, बिकॉज बाइक में जान बसती है। तो ट्रैफिक में कभी कीड़े कांडी नहीं करने का, हमेशा हाईवे पे आने का, ऐसा नहीं बोल रहा कि हाईवे पे आके कीड़े कांडी करने का, सेफली चलाओ, स्पीडिंग करो, बट सेफली, खुद को हार्मफुल, खुद को हार्म नहीं पहुंचाने का ना किसी और को। चलो थोड़ा सा हॉल्ट रहते हैं, रुकते हैं, दोस्त से बात करते हैं, तो चलिए अपना नाश्ता चाय सब हो चुका है, तो वापस चलते अब, और मोटो ब्लॉग बनाते हैं, आगे खाली सीधा हाईवे तो शूट करते हैं अभी, और मन नहीं भर रहा है यार, इतने दिन बात कर रहा हूँ, थोड़ा और दिल मांगे और मोर इसके लिए, अच्छे से शूट करते हैं, बढ़िया सा ब्लॉग बनाते हैं, ताकि जो दो तीन महीने में जो कमी रह गई वो पूरी हो जाए। भाई बढ़िया गाड़ी है, कंफर्टेबल है बहुत, बैठ जा भाई, सही है, चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए सेंसलेस डिवाइडर क्रॉसिंग, अरे भैया बढ़िया भाई बढ़िया, 110 जा रही है भाई, पावर गाड़ी में है, 150 है तो क्या हुआ, बजाज एवेंजर है भाई, भागेगी, देखा मैं जैसे कह रहा था, ट्रक्स और बसेस ने ट्रैफिक मचा रखा है, तो अब देख सकते ट्रैफिक मचा रहा है का मतलब, मचा रखा है का मतलब यही है। तो अब पेट्रोल भरा के हो चुका है, अब इधर से कॉलेज 5 मिनट की दूरी पर, थोड़े कॉलेज का भी राउंड मार लेते हैं, बहुत दिनों से पूरी कॉलेज मैंने अच्छे से देखी नहीं है। चलिए, ओ इसमें स्वाइप अप भी है, मैंने अभी नोटिस किया, ये अपना कॉलेज का एंट्रेंस, बढ़िया सीन, एक राउंड कॉलेज का मार ही लेते हैं, कॉलेज भी मैंने खुद ने बहुत दिन हो गया पूरा कॉलेज नहीं देखा है, तो रिवर साइड है ये सब है, बहुत दिन हो गया नहीं देखा है, ओहो आसमान भाई क्या दिख रहा है, अगर आपने मेरे पहले के व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको ये रास्ते अच्छे से पता होंगे कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, फिर भी मैं बताता हूँ, ये रास्ता जाता है SOE, SOE मंजे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ,
और अभी हम जा रहे हैं रिवर साइड पे, क्योंकि हमारे कॉलेज में एक रिवर साइड है और ये आर्किटेक्चर वालों का बिल्डिंग है, आर्किटेक्ट जर्नलिज्म ये सब वालों का बिल्डिंग है, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग बिल्डिंग है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि कैंपस बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। पर ये सीधा रास्ता है मगर बीच में बंपर है और ये हमारा रिवर साइड है। व्यू काफ़ी प्यारा है इस रास्ते का, बहुत ज़्यादा ही प्यारा, देख सकते हैं आप पेड़ से ढका हुआ सीधा रोड भी इधर ऐसा, मतलब बोलते ना सर कॉटेज टाइप बना हुआ है। आपको हम डोम भी दिखाते हैं, लास्ट टाइम मैंने डोम नहीं दिखाया था क्योंकि तभी वो बना नहीं था, उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ था। इस बार इनॉग्रेशन भी हो चुका है जिम का क्या बोल रहा हूँ डोम का। चलिए, ये गर्ल्स हॉस्टल है, बोट क्लब, बोट की ट्रेनिंग मिलती है, मतलब बोट चलाने की। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो आपको ये रास्ता अच्छे से पता होगा। रुकिए, अभी आएगा। हाँ, ये रास्ता अच्छे से पता होगा, यहाँ पे मैंने R15V2 पे शूट किया है रील। और आपको डोम दिखाना बाकी था ना, तो देख लीजिए डोम, ये रहा अपना डोम। अरे यार, पेड़ बीच में आ रहा है, ये डोम है अपना, इनॉग्रेशन हो चुका है इसका। आप लोग कभी भी अंदर, आप लोग मतलब हम स्टूडेंट्स कभी भी अंदर जा सकते हैं देखने को, बहुत बढ़िया सा बना है और इसका एंट्रेंस है सब, डेकोरेशन भी अच्छा है, व्यू भी अच्छा है। ये गेट बनाया है बस गोल्डन कलर में और ये अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सीधा। बस फिर इतना ही था हमारा कॉलेज, एक सीधा रास्ता है बट मेरे को इधर से जाने का मन नहीं है तो अपन उल्टा जाएंगे। बस फिर आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। बहुत दिनों बाद मोटो व्लॉग करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब सो जितना मैं एक्साइटेड हूँ आप उतना ही एक्साइटमेंट से इस वीडियो का सपोर्ट करेंगे। अब से वीडियो बहुत अच्छी जाए इन द सेंस आप लोग सब अच्छे से प्यार दें इस वीडियो को। और इतने टाइम से जो ब्रेक में था वो कमी पूरी हो जाए मेरी, कॉन्स्टेंट हो जाऊँ मैं, यही दुआ रखता हूँ भगवान से। बस फिर इसी अच्छे मोटिवेशन के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। सो इफ़ यू गाइज इन्जॉयड द व्लॉग फॉर वॉट्स एवर रीज़न, लाइक बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मेरे जब भी वीडियोज़ आए, अब तो आप पक्का कॉन्स्टेंट आएंगे, तो जब भी वीडियोज़ आए आपको पता चले कि हाँ भाई ओवर पावर राइडर ने वीडियो डाला है। एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। सो बाय बाय, टेक केयर, इन्जॉय एंड स्टे सेफ, राइड सेफ, वेयर ऑल द प्रॉपर गियरिंग्स फॉर योर सेफ्टी। बस फिर इन्जॉय कीजिए, बस हो गया मेरा, बाय बाय। तो प्लीज सब सपोर्ट करा, सारा खबर सबर कराए सारा।